हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग द सीबक स्टोर। इन आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द सेवन अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सीबक थॉर्न सीड ऑयल कैप्सूल्स ऑन डेली बेसिस। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, सीबक थॉर्न एक वाइल्ड बेरी है जो कि लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में पाई जाती है एंड इसे दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस फ्रूट भी कंसिडर किया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ बायोसेश के सीबक थॉर्न सीड ऑयल कैप्सूल्स की, तो ये कैप्सूल्स एक स्पेशल प्रोसेस से बनाए जाते हैं जिसमें सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सीबक थॉर्न बेरीज के सीड यानी उनके बीजों से सीड ऑयल को सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे बिना किसी भी तरह के न्यूट्रिशन लॉस के इसे कस्टमर्स तक पहुंचाया जा सके। अगर बात करें इसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज की, तो इसके अंदर असेंशियल एंड नॉन असेंशियल दोनों तरह के फैटी एसिड्स मौजूद हैं, नेमली ओमेगा 3, 6, 7 एंड ओमेगा 9 एंड साथ ही के साथ इसके अंदर विटामिंस भी प्रेजेंट हैं, नेमली विटामिन ए, डी एंड ई। इन सभी न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स का सेवन करने से हमारी बॉडी डेली बेस पे बहुत तरह के बेनिफिट्स ले सकती है। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द बेनिफिट्स। नंबर वन, सबसे पहले इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। सीबक थॉर्न सीड ऑयल कैप्सूल्स को अगर हम डेली बेस पे कंज्यूम करें तो ये बहुत तरह के हार्ट डिजीजेस को प्रिवेंट करता है और साथ ही साथ हमारे हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। नंबर टू, इट इज़ हेल्पफुल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आर ब्रेन एंड गुड फॉर आई विजन एज वेल। ये हमारी ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग को इंश्योर करता है और साथ ही साथ ये हमारी आई साइट को एनहेंस करने में भी हमारी मदद करता है। नंबर थ्री, इट इम्प्रूव्स हाइड्रेशन एंड इलास्टिसिटी इन स्किन, देयर बाय प्रिवेंटिंग रिंकल्स। सीबक थॉर्न को एक ब्यूटी बेरी भी माना जाता है क्योंकि ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एंड साथ ही साथ से एंटी एजिंग माना जाता है क्योंकि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को इंक्रीज करती है, इससे रिंकल्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। नंबर फोर, इट हेल्प्स इन मस्कुलर डेवलपमेंट एंड इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द मसल्स। नाउ बहुत सारे जिम लवर्स को अक्सर फिश ऑयल कैप्सूल्स रिकमेंडेड करे जाते हैं बिकॉज उसके अंदर ओमेगा 3 प्रेजेंट होता है। नाउ बहुत से लोग हैं जो वेजिटेरियन होते हैं एंड सभी के सभी फिश ऑयल नहीं कंज्यूम कर सकते, उनके लिए स्पेशली सीबक थॉर्न सीड ऑयल कैप्सूल्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अंदर ओमेगा 3 के साथ साथ ओमेगा 6, 7, 9 भी प्रेजेंट है जो कि हमारी मस्कुलर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है और हमारी एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। नंबर 5, इट ऑल्सो रेगुलेट्स एंड्रोजन प्रोडक्शन, देयर बाय रिड्यूसिंग एक्नेज। हमारी बॉडी के अंदर ये एंड्रोजन नाम का एक केमिकल को इंड्यूस करता है, इसकी वजह से एक्नेज एंड पिंपल्स को भी ये रिड्यूस कर पाता है। नंबर 6, इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर वेट कंट्रोल। नाउ बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स यूज करते हैं फॉर वेट लॉस। नाउ इसके अंदर नेचुरल वे के अंदर ओमेगा 3 प्रेजेंट है जिससे हम बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं और अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नंबर 7, इट ऑल्सो प्रमोट्स इफेक्टिव एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ स्किन, नेल एंड हेयर। अब ये सिर्फ और सिर्फ हमारी स्किन के लिए यूजफुल नहीं है, स्किन के साथ साथ बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हेयर ग्रोथ में हमारी मदद करता है और साथ ही साथ हमारे नेल्स यानी कि नाखूनों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। अब बात करते हैं कि इन्हें यूज़ कैसे करना है। सो बेसिकली ये 500 मिलीग्राम के कैप्सूल्स होते हैं जिसे आप दिन के अंदर 2 बार कंज्यूम कर सकते हैं। रिकमेंड यही किया जाता है कि आप खाना खाने के 30 मिनट पहले इसे कंज्यूम करें, मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर। तो दीज वर द 7 अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सीबक थॉर्न सीड ऑयल कैप्सूल्स ऑन डेली बेसिस। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं सीबक थॉर्न सीड ऑयल कैप्सूल्स और बायोसेश से जुड़े हुए अलग अलग प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट दिस नंबर एंड साथ ही के साथ डू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन, डाउट एंड क्वेरीज हैं तो आप कमेंट के अंदर आप लिख सकते हैं, आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ देम। एंड साथ ही के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप आने वाली फ्यूचर वीडियोज को एक्सेस कर सकें। थैंक यू सो मच।